हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी डायग्नोस्टिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है आपके पर्सन जो है, जिनके बारे में आप आज रीडिंग देख रहे हो, वो आपके बारे में सुबह से क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ठीक है, देखो ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डेली अपडेट इन इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं रील्स दे रही हूँ तो प्लीज उसको जरूर देखें फॉर एडिशनल वीडियोस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और ये बोलिएगा जरूर कि यूनिवर्स प्लीज डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, लेट एवरीवन सोल मीट विद देयर डिजायर्ड पार्टनर। तो चलो आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ठीक है, अच्छा जिस इंसान के लिए आप देख रहे हैं उनका नाम रिपीटेड आप लेते रहिएगा। ठीक है, सो ऑफकोर्स ऑलराइट, सो यूनिवर्स प्लीज गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पार्टनर जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो सुबह से उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो सुबह से उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, सुबह से उनके लिए क्या सोच रहे हैं, सुबह से क्या फील कर रहे हैं, सुबह से उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओ दिस इज द लवर्स कार्ड। ठीक है, हमारे पास है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। क्राउन चक्र। जस्ट अ सेकेंड, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कार्ड्स को। हार्ट चक्र, दो दो चक्र जा रहे हैं एक साथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मूव द चैरियट। यहाँ पे द नंबर 3, 6, 19 दैट इज 10 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, द क्राउन चक्र, द हार्ट चक्र। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है बेसिकली सिंबल्स में से है, ज़ोडियक साइन या मून साइन या सन साइन में से है, जेमिनाई मिथुन राशि। ठीक है, एक्वेरियस जेमिनाई लीब्रा को मिथुन तुला राशि। यहाँ पे है द सन मतलब लियो, दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे है। उसके बाद है क्राउन चक्र है, ठीक है, उसके बाद हार्ट चक्र है एंड उसके बाद है चैरियट। दिस इज कैंसर साइन। ठीक है, बाकी कार्ड्स भी हम शफल करेंगे, तो अगर कोई भी साइन यहाँ पे नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं, हम फीलिंग्स को चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लियर है कि सुबह से वो सारी यादें आपसे जुड़े हुए जो भी यादें थी, अगर आप इनसे रिसेंटली मिले हो तो बहुत अच्छा बात है। वो सारे लम्हे जिस दिन आप मिले थे उनको, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए थे आप दोनों की ज़िंदगी में, किस तरह से आप एक दूसरे के साथ प्यार में, ठीक है, खो गए थे, वो सारे लम्हे उनको याद आ रहा था। ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम द मॉर्निंग बट मुझे लग रहा है अर्ली मॉर्निंग से उनको याद आ रहा था। ठीक है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो देर इज अ काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड, मतलब क्या है, आप दोनों की आत्मा जिस तरह से है ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सो दिस आर इंटरकनेक्टेड। तो जो भी ये फील कर रहे होंगे, मे बी सुबह से हो सकता है कि आपका मूड स्विंग्स हो या इस पर्सन का मूड स्विंग्स हो रहा था सुबह सुबह। ठीक है, आप कभी कभी खुशी भी महसूस कर पा रहे थे और कभी कभी आपको लग रहा था नहीं, आई एम बैडली हर्ट, ठीक है, आई एम ब्रोकन, मैं टूट चुका हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, ये इंसान ऐसा फील कर रहे थे। मुझे लग रहा है आपके साथ, ठीक है, डिटैचमेंट होने के बाद या कहीं ना कहीं पे ये इंसान, देखो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सैडनेस एंड आइसोलेशन। मुझे लग रहा है आपके साथ जब तक संबंध था तब तक सब कुछ सही था, लेकिन जब से आपके साथ उनका डिटैचमेंट हुआ, ठीक है, वो अलग हुए या किसी भी तरह ये रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ,
जो भी रीजंस था, ठीक है, तो बेसिकली वो ऐसा फील कर रहे थे कि जिस तरह से उनकी, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मृत्यु के बाद अपने आत्मा जो है ना इसी तरह से चले जाते हैं, आपको पता है, इसी तरह से शरीर छोड़ देता है, तो उनको लग रहा था कि उनकी आत्मा जो है शरीर छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी थी जिनके वजह से इस रिलेशनशिप को उनको जाने देना पड़ा, ठीक है, मे बी देयर वेर सुटेबल रीजंस, शायद ही आपको नहीं बोल पाए। जिस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से आई कैन फील द एनर्जी लाइक, ठीक है, जिस तरह से आत्मा छोड़ देता है शरीर को, ठीक है, इन दिस नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस डायमेंशन, आई एम टॉकिंग दैट डायमेंशन, ठीक है, आप देखो, खुद देखो आप, तो कितना ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होता है जब किसी का मृत्यु होता है। मृत्यु के पहले, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मृत्यु से पहले हर एक व्यक्ति को, ठीक है, दर्द से गुजरना पड़ता है, दर्द से, चाहे उसका जो मृत्यु है वो नॉर्मल हो, चाहे उसका मृत्यु जो है बाई, यू कैन से बाई एक्सीडेंट हो, बाई सुसाइड हो, कुछ भी हो, मृत्यु बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट होता है बिफोर डेथ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं भी उस तरह का दर्द आप एहसास भी नहीं कर पाओगे किस तरह का दर्द उनको हो रहा था, बट उनकी ज़िंदगी जो है इस तरह से रोशन हो सकती थी, या ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा होता ये कनेक्शन हो जाए और जस्ट लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसा सोच रहे थे कि यस अगर ये कनेक्शन हो जाता, यहाँ पे रूह किस तरह से है और यहाँ पे रूह किस तरह से है। मुझे लग रहा है इन्होंने शायद ऐसा सोचा भी होगा कि मैं दूसरे रिलेशनशिप में जाके बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, मेरा करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई डू फाइंड कि यस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा था कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना उनके बस का बात नहीं है। आई विल स्टे अलोन, मैं प्रेफर करती हूँ स्टे अलोन, आई विल प्रेफर लिव इन रिलेशनशिप, मुझे कमिटमेंट नहीं देना है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुका था, ये वो शादी के मामले में और नहीं पढ़ना चाहते थे, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वेर गोइंग ऑन इन देयर माइंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग पे वही चल रहा था कहीं ना कहीं पे, ओके, सो यही चल रहा था, क्राउन चक्रा एज वेल एज द हार्ट चक्रा, ठीक है। तो इनके कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो है, ठीक है, बहुत नॉट ओनली फ्रॉम देयर हार्ट बट उनके इंट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं पहले से, सो दे आर थिंकिंग, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम देयर माइंड, ठीक है, फ्रॉम देयर ब्रेन और देयर फ्रॉम द हार्ट, बट दे आर थिंकिंग फ्रॉम द इंट्यूशन लेवल। 7 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी का 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है द हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट ग्रीन, मतलब उनकी, जिस तरह से बोला जाता है ना कि उनकी इंट्यूशन से ही कह रहा था कि नहीं, यू आर द ओनली वन, द 4 इज द नंबर फॉर स्टेबिलिटी, दिल तो वो आप ही को देंगे, सरेंडर तो वो किसी के सामने नहीं करते, बट अगर करना होगा, अगर कमिटमेंट देना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से मूव आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ऑलरेडी कॉल रिसीव हो चुका होगा, या कुछ लोगों को कॉल्स आ जाएंगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में थे, या अगर आप कॉन्टैक्ट में भी हो तभी भी ये आपके सामने रिश्ता को लेके आएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट लीव विदाउट यू, ठीक है। इनके दिल जो है ना बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा है, मुझे लग रहा है सुबह से भी ऐसा हो रहा था कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे देखो द 2 हैंड्स, ये कब होता है, शादी के समय ही होता है या कमिटमेंट देने के समय होता है, सो दिस थिंग्स हैपन बेसिकली जब विवाह होता है, शादी होता है, निकाह होती है, ठीक है, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे गठबंधन है, शादी की शुभ गठबंधन, सातों जन्म का कनेक्शन ये भी है, सातों जन्म का कनेक्शन, ये ऐसा फील कर रहे थे, दिस इज नॉट द कनेक्शन फॉर वन लाइफ टाइम, सातों जन्मों का कनेक्शन है ये। वाओ व्हाट एनर्जी, आई कैन फील इट, आई लव दिस एनर्जी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट लाइफ री इंकरनेशन अगर हुआ है आप दोनों का, अगर आप विश्वास करते हो पुनर्जन्म में, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कनेक्शन से कभी भी ये डिटैच नहीं हो सकते। बैकग्राउंड में शंख बज रहा है, नहीं हो सकता है डिटैच, ठीक है, एक दिन मैं खुद शंख बजाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो शुभ माना जाता है रीडिंग से पहले,
मैं बजा दूंगी एक दिन शंख, ठीक है। बेसिकली उनके एनर्जीज जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, बट यहाँ पे मुझे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं नज़र में आ रहा है। आई एम नॉट फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन ओवर हियर। एटलीस्ट दूसरा रीडिंग्स में आ ही जाता है सेवन ऑफ कप्स, दिस थिंग दैट थिंग, बट आई डोंट फाइंड यहाँ पे वो चीज़ को रियलाइज करके उनकी जिस तरह से पेन, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई किसी को ठीक है धोखा देता है, फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं कि प्यार और रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट कर दिया फिर भी कंपनी आपको बोल रही है कि आपने पेमेंट नहीं किया और अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है जो दो बार आपको देना पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी आपके पास सामान नहीं आया, तो किस दर्द से आप गुजरोगे? आप समझ रहे हो ना, किस दर्द से आप जाने वाले होंगे? उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन फील कि जिस तरह से होता है ना कि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, तो सुबह सुबह मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है हैवी ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लेकिन आज शायद जिस दिन भी आप देखोगे शायद वो ब्रेकफास्ट करने का भी उनको मन नहीं कर रहा था, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। मुझे लग रहा है ये काफ़ी मे बी दे आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट डीलिंग्स करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है ज़रूर कि ये इंसान बहुत बड़े बॉस टाइप कोई हो सकते हैं, एंड दे रूल द कंपनी, दे एक्चुअली डायरेक्ट द कंपनी, या इनके खुद के बिजनेस हो सकते हैं, पर उनको मन भी नहीं हो रहा था वहाँ पे जाने का एट देयर वर्क प्लेस, बट क्या करें, मजबूरी में शायद उनको जाना पड़ा, ठीक है। उनका मन नहीं कर रहा था, उनका फील ऐसा हो रहा था कि आपके साथ थोड़ा रोमांटिक और हुआ सकते थे, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पर्सन, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी बाहर रहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे थे, आपका केयर आप मिस कर रहे थे, किस तरह से आप उनको हमेशा उठ के चाय देते हो, अगर आप मैरिड हो या आप खाना बनाते हो, ठीक है, उनको पैक कर देते हो, ठीक है, इवन आप अगर आप लिव इन रिलेशनशिप्स में थे, सो काफ़ी ज़्यादा डीप एनर्जी मुझे यहाँ पे आज दिख रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो मेन चीज़ है उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है, वट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन एंड नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, उनके नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू क्या होगा। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है सीक द ट्रूथ, ट्रूथ सीकर, माय गॉड, आज सेवन का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 17 द डेस्टिनी नंबर, द फेट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, हेल्पलेस एंड होपलेस। देखो ऐसा ये इंसान ऐसा समझ रहे थे, एम्परर फोर का भी एनर्जी आज स्ट्रांग है एंड सेवन का भी एनर्जी आज स्ट्रांग है, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 4-4-8 से रीडिंग को क्लेम करना है या 7-7 से आप क्लेम कर सकते हो। ये इंसान बेसिकली मुझे लग रहा है इनको कुछ मतलब डर्टी सीक्रेट्स के बारे में, हो सकता है थर्ड पार्टी हो या इनके परिवार में से कोई हो, इनको सच्चाई पता चल चुका है जिस वजह से उन्होंने आपके साथ, ठीक है, बिट्रेयल किया या आपसे कनेक्शन नहीं रखा या आपको वो कमिटमेंट देने में हेजिटेट कर रहे थे, उनको वो सच पता चला या वो आपके बारे में, ठीक है, जिस तरह से होता है ना इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तफ्तीश करना बोला जाता है उसको, ठीक है, झांक रहे हैं आपके लाइफ में, आपके लाइफ में वो क्या क्या घटनाएं हो रही है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू रेज द कर्टन, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी भी है, ठीक है। उससे पहले शायद वो कमिटमेंट ना दे, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि बहुत देर हो चुका है, इस वक्त अगर मैं अपना स्टेटमेंट नहीं रखा या नहीं रखी या मैंने इनके साथ कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया तो ये रिलेशनशिप मेरे हाथ से निकल जाएगा, मेरे से दूर हो जाएंगे ये पर्सन, ठीक है। तो ये आपके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन 4 hours, 4 days, 4 weeks, ठीक है, हो सकता है, सो दे मे ओपन अप एंड डेफिनेटली हेल्पलेस एंड होपलेस तो फील कर ही रहे हैं, ठीक है। 8 of यू कैन से दैट दिस इज़ द थिंग कि मुझे ये चीज़ इस तरह से लगता है हमेशा, दो पहाड़ है यहाँ पे, दो सीढ़ियाँ है, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है, ठीक है। 8 of swords energy,
द लिटरली स्टक, यहाँ पे बीच में जाके खड़े हो रहे हैं, देखो पता ही नहीं इस आदमी को कि क्या करना है इसको। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, अभी दे दूँ कमिटमेंट, अभी बोल दूँ, अभी क्या वक्त आ चुका है, अभी बोलने का क्या समय आ चुका है, इज इट द राइट टाइम। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनके अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। अगर आप दोनों के देखो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैं एक आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, अगर रस्सी को आपने हल्का बांधा, ठीक है, अगर आपने कुआ देखा होगा, कुआ में क्या होता है, रस्सी होता है, रस्सी और बकेट, ठीक है, सो द रोप अगर उसको आप लाइटली बांधते हो उस बकेट के साथ, ठीक है, और नीचे डाल देते हो, तो चांसेस ऐसे बनते ही है कि वो बकेट सिर्फ गिर ही जाएगा। तो उस बकेट के साथ, ठीक है, स्ट्रेंथ लगा के ही उस रस्सी को बांधा जाता है, राइट। तो वो स्ट्रेंथ मिसिंग था रिलेशनशिप में। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एम्परर इज ऑलवेज द स्ट्रांगेस्ट पर्सनैलिटी, ठीक है, इन द टैरोटेक, ऑलवेज, नॉट ओनली इन द टैरोटेक बट इन द वर्ल्ड, जो रूल करते हैं। मुझे लग रहा है ये आपको कुछ संदेश देने वाले, ये आपको कुछ मैसेजेस डेफिनेटली करेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आई टोल्ड यू दैट आई डू फील दिस इज लाइक अ बॉस हु ऑलवेज कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोलिंग उनका थोड़ा सा है एटीट्यूड में, लोगों को दबा के रखना, हुकूमत का फॉलो अगर नहीं हो तो बुरी तरह से पनिशमेंट देना, इस तरह से है उनका। बट इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं, शहनशाह के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, बादशाह के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ये राजा नहीं है, ये शहनशाह है। तो इनके बड़े बड़े ख्वाब भी है, इनके बड़े बड़े सपने भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो सपने के साथ आप जुड़े हुए हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, ओके। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे देखना है वो है कि यस दे विल गिव यू कमिटमेंट, नो डाउट, बट राइट नाउ अगर मैं उनकी बात बोलूँ सो दे आर लिटरली हेल्पलेस एंड होपलेस। यहाँ पे भी है ये चीज़, काफ़ी ज़्यादा झेल चुका है ये आदमी या औरत, काफ़ी ज़्यादा झेले है, ठीक है, ओके। यस देखो फेट एंड डेस्टिनी बार बार आ रहा है, यहाँ पे एट नंबर भी है, यहाँ पे हर एक धर्म में जो भी होता होगा, ठीक है, लेकिन एक ही धर्म है जो है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, यहाँ पे वही होता है, विल ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, यहाँ पे हर एक धर्म का सिंबल्स दिया हुआ है, मतलब जो भी है आपके धर्म है, जो भी आपके जाति है, जो भी आपके कास्ट है, जो भी आपके प्रोफाइल है, भाग्य का जो कंट्रोलिंग पावर है वो है इस यूनिवर्स के पास। 20 नंबर, दिस इज लाइक द जजमेंट, ठीक है, ये फैसला करना चाहते हैं, और अगर ये नहीं करेंगे यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर फैसला करेगा, जो ऑलरेडी प्रीडेस्टाइंड है वो होके रहेगा। अगर उन्होंने आपको तकलीफ दिया है तो वो तकलीफ सह रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। कुछ लोग आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनका कोई मे बी पार्लर या डिज़ाइन, मे बी टैटू डिज़ाइन शॉप्स हो, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मे बी हो सकता है, ओके, यस आई टोल्ड यू। ये देखो दिस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है 23rd कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर, ये कनेक्शन में फर्टिलिटी ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चिड़िया ने देखो अंडा दिया है यहाँ पे, सो ऑफकोर्स अंडे से बच्चे होंगे, फर्टिलिटी है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्टिव है, ये रिलेशनशिप का चांसेस बनता है कि आगे जाके इसका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, ये कंप्लीट हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान काफ़ी हार्ड कोर मैच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा आई डू फाइंड। बॉटम ऑफ द डेक है डिफरेंट फेसेस एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। ऑफकोर्स हो सकता है कि इनके आप बहुत ज़्यादा रूप ऑलरेडी देख चुके हो, शायद आपको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बेसिकली जो है, जब तक इनका थोड़ा सा एनर्जीज और बैलेंस नहीं हो जाता, थोड़ा सा और ये डाउन टू अर्थ नहीं हो जाते, थोड़ा सा समय लग सकता है आप दोनों का एनर्जीज को बैलेंस करने में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट विद द यूनिकॉर्न एंड विद द एग्स, ठीक है, विद द बर्ड, आई डू फाइंड अ वेरी पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे देखो इट्स ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड,
सातों जन्मों का कनेक्शन आज मेरे मुंह से निकला, वरना वो कार्ड तो रोज ही मतलब एक दो दिन बाद ही आ जाता है वो कार्ड, बट आज मेरे मुंह से निकला ना, सातों जन्म का रिलेशनशिप है तो कैसे ब्रेक हो सकता है। भले ही मैनिपुलेटेड होते हैं आप या आप होते हो, ठीक है, या ये करते हैं जो भी है, खेलते हैं गेम्स, खेलना, मास्क पहन के रखना, अपनी जो एक्चुअल है रियलिटी है वो आपके साथ शेयर ना करना, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर ना करना, तो उसमें क्या होता है, जिसके साथ जुड़े हुए हो आप उसी के साथ आपका रिश्ता होगा, ठीक है। वन आर न्यू कनेक्शंस आर देयर फॉर यू, मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर ये नहीं तो कोई और सही, जो ऑलरेडी है ठीक है वो होके रहेगा, कोई नहीं बदल सकता है। आप दोनों में भी दे यू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, लाइफस्टाइल, हो सकता है, बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हैं ठीक है जो सिंपल से सिंपल शादियाँ उन्होंने किया है, सिंपल लोगों से किया है शादी। ऐसा नहीं है कि पैसे हो तो ही वो शादी बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, नहीं। एक बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन भी एक सिंपल पर्सन के साथ शादी कर सकते हैं, वो होता है सोलमेट कनेक्शन, कि वो ऐसा समझते हैं, दैट इज़ अ थिंग। नाउ क्रो चिल्ला रहा है अभी यहाँ पे, उसका आदत नहीं है चिल्लाना, कभी कभी वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा है क्रो चिल्ला रहा है तो उसको एल ओ वी मे बी दे विल से लव, देखो यहाँ पे लव आ चुका है, एल ओ ठीक है टी यू डब्ल्यू के वन, यहाँ पे देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, विल ऑफ फॉर्चून, वाओ। सिचुएशंस टेम्पररी है अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो, 14 नंबर इम्पोर्टेंट या 1 एंड 4 या 2 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ओके ऑल राइट। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपको थोड़ा सा, ठीक है ऑल राइट। के इनके इनिशियल्स या आपके इनिशियल स्टार्ट हो सकते हैं इससे, ठीक है। स्वीट, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यारे मानते हैं, स्वीट ओके। ये आपको आई लव यू बोलेंगे, आई लव यू, ये बोल चुके हैं ऑलरेडी, ऑल राइट। इंडिपेंडेंस, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ना, ऐसे इंसान है वो चाहते हैं खुद भी आप इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप सक्सेसफुल बनो, ये भी चाहते हैं ये। इवन कुछ लोगों के लिए ये इंसान ये भी चाहते हैं कि आप तरक्की करो और जब इनको टाइम होगा ये आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी में, उनको लेके आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आश्वासन ये देना चाहते हैं आपको, मुझे यहाँ पे लग रहा है ओके। ऑल राइट, मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पानी पीते हैं या आप पीते हो, एंड डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड, वेरी नॉर्मल ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स, बट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। Thank you guys and love you a lot and take care of yours.